नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों, आज मैंने कुछ मेरा जो गार्डन का साफ सफाई भी किया और कुछ काम भी किया गार्डन में, तो मैं आपको दिखाऊंगा और क्या क्या मैंने किया है, ये सारा जो है मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं शुरू करता हूँ क्रिसेंथेमम से, जो कि मैंने आज पूरा जो क्रिसेंथेमम जितने क्रिसेंथेमम का प्लांट्स मेरे पास है, ये सारे को मैंने सपोर्ट दिया, सपोर्ट के साथ थोड़ा सा इसको टाई भी किया ताकि ये मजबूती से अभी खड़ा रहे, क्योंकि पिछला जो बारिश आया था, पिछले बारिश में ये सारे गिर चुका था। कुछ तो प्लांट्स ऐसे ही टूट गया, फूल भी था उसमें, वो गिर चुका था। तो मैंने सारे को आज जो है एक सपोर्ट्स के साथ मतलब उसको बांध के रखा है थोड़ा सा, क्योंकि आज भी मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ दिनों में फिर से मतलब कहना बारिश होने वाला है। तो बादल आज भी मतलब आज भी बादल दिख रहा है, तो कल परसों जो है बारिश होने की संभावना है। तो ये सारे को जो है आज मैंने सपोर्ट के साथ बांध के रखा है ताकि नुकसान कम हो। तो दोस्तों, ये देखिए पूरा जो जितने क्रिसेंथेमम है, ये सारे को जो है मैंने आज इसमें सपोर्ट के साथ बांध के रखा। कि दोस्तों, बहुत दिन पहले ही ये खिल चुका था, तो थोड़ा बहुत ये इसका कलर भी जरा देख रहा है फेड हो गया, और ये देखिए ये पीला वाला जो है ये भी ड्राई हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा इसका कलर, ये धीरे धीरे कलर भी चेंज हो रहा है इसका, जैसे जैसे ये पुराना होता जा रहा है, तो बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है मैंने पूरा गार्डन का साफ सफाई भी किया है और साथ में ये भी काम किया है। और देखिए, मेरा जो गार्डन है ये अभी तो जितने मैरीगोल्ड्स है वो भी मतलब काला पड़ चुका है, मतलब ये भी टाइम हो चुका है इनको सूखने का, धीरे धीरे जो है अब ये ख़त्म होने जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए आज का जो स्पेशल काम मैंने किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले जो है दूसरे साइड में जो है मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ क्या क्या विंटर फ्लावर्स जो है अभी खिलना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों देखिए, पहला जो है मैंने दिखाऊँगा, ये देखिए कितना अच्छा स्टॉक फ्लावर जो है ये खिल रहा है, बहुत ही अच्छा कलर, दो पर्पल कलर का है और एक थोड़ा सा पिंकिश है, दो वाइट है। तो ये देखिए दो वाइट है, और साथ में आप देख रहे हैं ये डायंथस अब खिलना शुरू किया, तो बहुत ही अच्छी तरह खिल रहा है, ये पौधा भी बहुत जो हेल्दी और ये खिलना स्टार्ट किया, अभी ब्लूमिंग स्टार्ट किया। तो दोस्तों, दूसरा जो है आप देख रहे हैं ये डॉग फ्लावर, ये पहले एक बार खिल चुका है कुछ फ्लावर, तो वो पहले मैंने दिखाया था, अब फिर से दोबारा जो है इसमें बड्स आ रहा है और ये पौधा जो है ये बुशी भी बन रहा है, तो धीरे धीरे जो है इसमें भी बड्स आके फिर ये भी खिलना शुरू करेगा। लेकिन सबसे अच्छा मेरा जो है अभी जो नया खिल रहा है वो है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं सिनेरारिया, ये बहुत ही अच्छा मतलब ये आप देख रहे हैं ये खिलना स्टार्ट किया अभी। तो ये पौधा मेरे पास 5 पौधा है, अब ये एक और दूसरे में भी मतलब उधर में खिलना अभी स्टार्ट किया। बाकी आप देख रहे हैं ये बाकी आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो ये देखिए ये जिरेनियम, ये भी बहुत ही अच्छी तरह मतलब कि नहीं ग्रो हो रहा है, और ये पॉइंसेटिया, ये भी विंटर का जो है, देखिए कितना अच्छा इसमें अभी ये पत्ता जो है कलर चेंज कर रहा है और बहुत ही सुंदर जो है ये कटिंग से मैंने ग्रो किया था, और ये कटिंग मतलब 6 महीना हुआ है, मतलब पिछले जो रेनी सीजन में शुरू में मैंने ये कटिंग्स किया था, तो बहुत ही अच्छी तरह ये ग्रोथ भी किया और फ्लावरिंग भी कर रहा है। दूसरा जो है मैं दिखाता हूँ ये बेगोनिया, देखिए ये खिलना स्टार्ट कर दिया अभी, ये बहुत ही अच्छा बुशी भी बना है, इससे मैंने 3 कटिंग मैंने किया था, तो वो भी मतलब अभी जो है ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं उस तरफ थोड़ा आप दिखाता हूँ दूसरे इसमें, ये देखिए उस छत में जो है मैरीगोल्ड है, और बहुत सारा जो है मैरीगोल्ड उसमें खिल रहा है, और बाकी सारा जो मेरा फ्रूट का पौधा है, और देखिए एक दलिया जो कि मैं इससे पहले भी मैंने दिखाया था, तो अभी बहुत सारा उसमें खिला, 4-5 मतलब जो है इसमें ब्लूम हो चुका है दलिया। तो स्पेशली जो है दोस्तों आप देख रहे हैं ये वाला दलिया,
ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह बेहतर कलर बेहतरीन कलर है। तो इसमें अभी तीन खिला है, एक एक दो साइड में है। और ये देखिए कितने बड़े साइज़ का इसमें जो है ये दलिया दलिया खिल रहा है। तो दोस्तों दूसरा दलिया भी एक खिल रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा, ये भी कलर वही सेम कलर है, लेकिन इसका जो पेटल्स है ये डिफरेंट पेटल्स है। तो इसमें भी मतलब ये भी बहुत बहुत बड़ा साइज़ का होगा। अभी ये खिलना स्टार्ट किया कुछ दिन, दो तीन दिन पहले मतलब ये स्टार्ट किया खिलना। दोस्तों नेक्स्ट जो है, जो मैंने आज एक काम किया, देखिए कुछ मेरा हैंगिंग पॉट्स, इसमें जो है पिटूनिया, आप देख रहे हैं कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ये पिटूनिया। देखिए वाइट वाला पिटूनिया, और ये देखिए ये पिंक जो है पिटूनिया, आप देख रहे हैं बहुत ही मतलब अच्छा ब्लूमिंग कर रहा है। और साथ में ये पर्पल वाला। और दोस्तों आज का जो मैंने काम किया, जो मतलब सुबह से, ये देखिए ये जो मैंने हैंगिंग पॉट्स मतलब हैंगिंग के लिए मैंने जो इंतज़ाम किया, ये मैंने किया है सुबह से आज, मतलब ये पॉट्स को जो है हैंगिंग पॉट्स को इसको हैंगिंग करने के लिए। तो ये मेरा आज का काम था। इस पॉट में जो है ये भी पिटूनिया ग्रो कर रहा हूँ। तो ये पॉट में अभी मतलब ये स्टार्ट किया, ये इसमें फ्लावरिंग आना, ये पिटूनिया देखिए ये स्टार्ट किया है, ये देखिए। तो मैं उस साइड से दिखाता हूँ, इस साइड में सूरज लग रहा है। तो ये देखिए, तो इधर से मतलब कहना ये पहले कुछ था हैंगिंग पॉट्स, बाद में मैंने आज एक्सटेंड किया। देखिए ये जो मैंने स्टैंड लगा के फिर इसमें इसके ऊपर जो है एक स्टैंड जोड़ के एक लकड़ी जोड़ के मैंने इसको बनाया है ये हैंगिंग पॉट्स। तो दोस्तों आज का काम मैंने सुबह से मतलब ये किया, और बागन का जो आपको बताया मैंने, ये क्रिसेंथेमम जो जिसको सपोर्ट मैंने दिया। तो दोस्तों चलिए आज मतलब कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं बना पाया, तो ये जो काम था मेरा, मैंने बहुत दिन से सोच रहा था। तो ये पिटूनिया जो ग्रो हो रहा है उसमें, तो ये पिटूनिया अच्छा ग्रो कर रहा है अभी, ये जो है फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दिया। तो मैं एक आध दिखाता हूँ इधर से, देखिए ये देखिए ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया इधर। अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा घुमा के, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा कलर है इसका, बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है, ये मेरून कलर है बिल्कुल। तो ये अभी खिलना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, ये भी बहुत ही अच्छा मतलब ऐसे जो बुशी आप देख रहे हैं ये पिटूनिया ऐसे ही बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।